अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो बाय वसीम मंदानी। तो भाई वीवो X60 प्रो जिसका डेब्यू मलेशिया में कर दिया गया है और भाई बहुत जल्द ये स्मार्टफोन पाकिस्तान और इंडियन मार्केट में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए स्मार्टफोन में स्पेसिफिकेशन की, तो मेरे भाई इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले में आपको 6.56 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फुल HD प्लस क्वालिटी की रेजोल्यूशन होंगी और इसके अलावा 120Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट स्मार्टफोन में दिया गया है। और मज़े की बात के भाई 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले में दिया गया है। इसके बाद यहां पर अगर बात की जाए कैमरास की, तो बैक पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा और बाकी के दो सेंसर 13-13 मेगापिक्सल के होंगे। और जो लास्ट दो सेंसर हैं, इनमें एक सुपर मैक्रो सेंसर होगा और एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। अगर बात की जाए फ्रंट की, तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी फ्रंट में पंच होल डिस्प्ले में रखी गई है और एंड्रॉयड 11 पर स्मार्टफोन बेस्ट होगा। इसके बाद यहां पर अगर बात की जाए प्रोसेसर की, तो ऑक्टा कोर का CPU होगा, चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की चिपसेट रखी गई है जो कि 5G सपोर्टेड चिपसेट होगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो काफी अच्छी काफी तबाही परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। गेमिंग वाइज भी और ओवरऑल भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में आपको मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए बैटरी की, लेकिन बैटरी की बात करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि वीडियो को आपने यहीं पर लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को आपने ऑल पर लाजमी से रख लेना है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए बैटरी की, तो भाई 4200 mAh की बैटरी स्मार्टफोन में रखी गई है और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट टाइप सी की केबल के साथ स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए अगर इंटरनल स्टोरेज और रैम की, इस लिहाज से एक ही वेरियंट रखा गया है और वो वेरियंट होगा 12 GB 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि भाई इस स्मार्टफोन में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगी और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस स्मार्टफोन में रखा गया है। तो लास्ट में अगर बात की जाए स्मार्टफोन की प्राइस और लॉन्च डेट की, तो भाई इस स्मार्टफोन की जो लॉन्च डेट है वो तकरीबन अप्रैल के मिड तक इस स्मार्टफोन को पाकिस्तान और इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। और उसके बाद अगर बात की जाए प्राइस की, तो भाई इस स्मार्टफोन की प्राइस पाकिस्तान में 1,20,000 के अराउंड अबाउट रखी जाएगी। जी हाँ, 1,20,000 के राउंड अबाउट स्मार्टफोन की प्राइस पाकिस्तान में रखी जाएगी। और जहाँ तक बात है मेरी सजेशन की, तो भाई मैं आपको यही कहूँगा कि भाई इस स्मार्टफोन की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखी जाएगी, आप इस स्मार्टफोन की तरफ ना जाएं, क्योंकि भाई सिर्फ OLED डिस्प्ले के या फिर 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन के होने के आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, बाकी आपकी अपनी मर्जी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को आपने ऑल पर लाजमी से रख लेना है। अल्लाह हाफिज़।